अपना परिचय बताइए। मैं जसवंत कुमार, बहुजन समाज पार्टी लालगंज का पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ और यहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी में कार्यालय पैदा करके कार्यालय की डीलिंग हो रही है। कौन सी विधानसभा में समय है आप लोग? अतरौलिया विधानसभा 343। आपकी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव इस बार लड़ रही है? हमारे पार्टी का मुद्दा है कि इस देश में सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक मुक्ति आंदोलन हो और एक मिशन और कैडर के आधार पर बहुजन समाज पार्टी हर वर्ग हर समाज में भाईचारा पैदा करके अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। चुनाव देखे, हलचल मचा हुआ पार्टी में, कई नेता इधर से उधर जा रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? इस समीकरण को बहुजन समाज पार्टी इस देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके समीकरण को बिगाड़ दिया है जी, और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मुद्दे पर। आप अपना परिचय बताइए, आप भी बताइए। मैं श्री राम राजभर, बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ मंडल का पूर्व मंडल का जून इंचार्ज रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय 2022 में उत्तर प्रदेश में आम चुनाव हो रहे हैं। उस उत्तर प्रदेश आम चुनाव में आपने 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार को देखा, 12 से लेकर 17 तक आपने देखा, फिर उसके बाद आपने 17 से लेकर आदरणीय योगी जी की सरकार को देखा। लेकिन इन दोनों सरकारों की तुलना अगर बहुजन समाज पार्टी से कर दिया जाए तो बहुत पीछे हैं। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, वो अपने संतों गुरुओं महापुरुषों का आदर्शों पर चिन्हों पर चलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर चलकर निश्चित तौर पर माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। अच्छा, इस बार कितनी सीटें जीतने का दावा आप लोग कर रहे हैं? बहुमत में सरकार बनाने जा रहे हैं। कितने सीट जीतने का हो? बहुमत का आंकड़ा आप जान लीजिए कितने का होता है, बहुमत में सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए ठीक, धन्यवाद। नाम संजय कुमार, मैं 343 अतुलिया विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। 30 बार आपकी पार्टी चुनाव किसी गठबंधन नहीं किया ना? नहीं, हमारी पार्टी अकेले दम पे अपना चुनाव। अकेले दम पे आपके पार्टी का उद्देश्य क्या है? हमारे पार्टी का उद्देश्य मुख्य रूप से शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था हमारा मुख्य उद्देश्य। अगर आपकी पार्टी अतरौलिया विधानसभा से जीतती है तो क्या आपने कुछ विकास के बारे में सोचा है? हम लोग अपने अतरौलिया विधानसभा में हमारी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर काम करेगी, कर रही है। हम अपने अतरौलिया विधानसभा के समग्र विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और हमारे यहाँ जो भी कानून व्यवस्था है उसको चुस्त और दुरुस्त करेंगे। आपके प्रत्याशी कौन है यहाँ से? हमारे प्रत्याशी यहाँ से परम आदरणीय श्रद्धेय बहुजन समाज पार्टी 343 के डॉक्टर सरोज पांडे जी। इस बार क्या लगता है आप विधानसभा चुनाव में कितना सीटी जीतने के दावा आप लोग कर रहे हैं? हम लोग आपकी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए जा रहे हैं। क्या है उसमें, क्या विकास किया? 5 साल तो आपकी सरकार इसके पहले थी, हमारी किस दम पर आप चुनाव? हमारे सरकार के विकास के बारे में आप लोग लखनऊ से लेकर के यहाँ तक देख रहे हैं। हमारे सरकार में शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था और यहाँ तक कि चाहे किसी कोई ऐसा विभाग नहीं छूटा जिस विभाग में हमने रोजगार न दिया हो, हमारी सरकार ने रोजगार न दिया हो। हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है रोजगार व्यवस्था दुरुस्त करना, लाइन ऑर्डर व्यवस्था दुरुस्त करना, ताकि किसी प्रकार का हमारे शासनकाल में अपराध ना हो पावे। हम लोग अपराध नियंत्रण भी हमारी सरकार के बहुत ज्यादा फोकस रहा है और सभ्यता सुखा की नीति पर हमने हमेशा काम किया है हमारी सरकार ने। ठीक, धन्यवाद।